और जहरुल हसन सरपंच हमारे यहाँ विज्ञात के हैं, वो वर्क सब जूनियर बेंच में विज्ञात को बलेसा को ये बुक पेश करते हैं। यहाँ पे रेंज ऑफिसर बलेसा गुंडू पहुंच चुके हैं, मैं उनको इस प्रोग्राम में आभार करता हूँ। रास्ते गुलपोशी पुलिस के साथ ही होगी जिन हजरात में वर्दी सब जूनियर मजिस्ट्रेट के आजाद में ये हार लाए हैं, वो ने हार पहनाए। सदर उमर वर्कर ट्रस्ट पुलिसा इमरान मजीद साहब मालिक, वो यहाँ स्टेज पे आ जाए, वो यहाँ अरुण कुमार जी, एसडीएम बनीसा, जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं, मोहतरमा अमीना बेगम साहिबा बीडीसी चेयरमैन, मोहतरम निसार साहब वाले इस इलाके के सोशल वर्कर भी हैं और सरपंच, हमारे नायब तहसीलदार टेकियास तस्लीम साहब, हमारे रेंज ऑफिसर परिसा जनाब सुरेश सिंह जमवाल, जो पहली बार इस इलाके में यहाँ जग्यास में तशरीफ लाए हैं, जफरुल्ला साहब, बरकत साहब, जावेद साहब दरगर, यूनस साहब एक्स सरपंच, याकत अली साहब एक्स सरपंच, दानिश मलिक सरपंच भूतली, अतीकुर रहमान साहब सोशल वर्कर, अब्दुल्लतीफ बाग और कैर कश्मीर, इरशाद साहब हमारे जामिया के हेडमास्टर, और हमारे जो एनजीओ यहाँ के हैं, यहाँ पर मैं बखूबी वाकिफ हूँ कि जो ये जकियास ब्लॉक की बात करूँगा, यहाँ 10 पंचायतें हैं और कुछ जाने माने चेहरे, मुझे लगता है हम आए दिन रोज मिलते थे, जैसे हमारे सरनाथ के सरपंच साहिबान हैं, अख्तर मीर साहब के मुंबरा से हमारे सरपंच साहिबान शायद जफर साहब, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितने भी आपके मसले मसाइल हैं मैं उनसे पूरी बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ की जो हमारी ग्रोन प्रोडन फैमिलीज हैं, राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, और जो भी यहाँ बुनियादी दिखते हैं मैं उनसे बखूबी वाकिफ हूँ। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी मेरी हद इख्तियार में है और जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरे दिल के साथ और हमदर्दी के साथ यहाँ काम करूँगा। और जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे मेरा पटवारी है, ग्राम सेवक हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, बिजली महकमे से हैं, जल शक्ति विभाग से हैं, और जितने भी 25 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे यही निर्देश रहेंगे कि डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से लोगों की खिदमत करें और हमदर्दी से उनकी जो भी मसले मसाइल हैं अगर उनके लेवल पे हैं तो सॉर्ट आउट करें, जो नहीं है तो हमारे लेवल पे, जो हायर अथॉरिटीज के लेवल पे हो सकता है हम वो करेंगे। बट एटलीस्ट जो पब्लिक के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए वो बहुत ही कंक्रीट होना चाहिए। जब आप लोगों को सुनेंगे उनके मुश्किलात क्या है, तो मुझे जो यहाँ पे कुछ मसले उजागर किए गए, जैसे हमारा बुदली का रोड है, तो अख्तर साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पिछले 15 दिन से इस पर काम कर रहा हूँ, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम एक मिड पाथ जो भी लीगल दायरे में होगा हम वो करेंगे।
जिससे हर एक जो वहाँ का बेनिफिशियरी है वो आश्वस्त रहे और उसको बेनिफिट पहुँचे। दूसरा, यूनुस साहब ने बताया रोड का इशू, तो मैंने चिल्ली में भी परसों कहा कि जितनी भी यहाँ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं तो हफ्ते हर हफ्ते उनका रिव्यू मैं लिया करूँगा और उनसे जो भी प्रोग्रेस होगी उसका हम पूरा मुझे लगता है उसका रिव्यू करेंगे हम। बाकी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे मेरे तहसीलदार साहिबान हैं, नायब तहसीलदार साहिबान हैं, उनसे भी मेरी ये डायरेक्शन रहेंगी कि जो भी लोगों के काम होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, उनका टाइम बाउंड मैनर में उनका डिस्पोजल करें। ये मैं रेवेन्यू अपने जो तहसीलदार साहिबान हैं, नायब तहसीलदार साहिबान हैं, तो उनसे मेरी यही रहेगी कि वो भी लोगों के बीच जाया करें, जो भी टाइमली उनके काम हैं और जो भी उनके असाइंड टास्क हैं तो उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी हम रिव्यू करेंगे और सरपंच साहिबान, बीडीसी चेयरपर्सन और जितने भी पीआरआईज हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं, जो रियल टर्म्स में जो डिज़र्व करते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाए। तो इसी से हमारा जो एसेंस है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका मकसद भी फुलफिल होगा और रियल टर्म्स में पब्लिक वेलफेयर होगा। उसके बाद मैं जितने भी ये ट्रस्ट हैं, शाहीन ट्रस्ट, इंस्पायर भलेसा, राहत ट्रस्ट, उमर ट्रस्ट, गणितुल उलूम, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन्होंने आज यहाँ प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो ये सब मुबारकबाद के हकदार हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 1,00,000 पेड़ हम यहाँ पे लगाएंगे जिससे हमारा जो वातावरण है ये प्रिजर्व भी रहे और हमारा वाटर जो है वो कंजर्व रहे, तो हमारे जो चश्मे हैं वो बदस्तूर चलते रहें, पानी की कोई किल्लत ना हो, जितने भी हमारे जंगलात हैं उनकी खूबसूरती बढ़ती रहे, एक इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको ठीक किया जाए, प्रदूषण की मात्रा को कम किया जाए। और मुझे लगता है कि सब ने फॉरेस्ट के जो बेनिफिट्स हैं उस पर रोशनी डाली, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जो यहाँ पे बहुत ही अहम पॉइंट था, पेड़ लगाना अलग बात है, उस पेड़ को बचा के उसको ग्रो करवाना वो अलग बात है। यहाँ पे हमें आप सबका सहयोग चाहिए, उस पेड़ की जो है वो हमने पूरी तरीके से हिफाजत करनी है, उसको पानी देना है, उसकी मैन्यूरिंग करनी है, तब जाके हमारा ये एफॉरेस्ट्रेशन का मकसद जो है ये कामयाब होगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है जब कोई तालीम हासिल करता है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, तो इनसे भी मेरी यही एडवाइस रहेगी कि भरपूर मेहनत करें, अच्छी तरह अपने टाइम का इस्तेमाल करें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करें, जिससे जो हमारे ये बच्चे हैं, कल कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होगा, जिस भी शोबे में आप जाएंगे आप अच्छा करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसा सीज़न आ रहा है, प्लांटेशन का सीज़न आ रहा है। इस मौके पर चूँकि यहाँ पर हमारे वर्दी SDM भलेसा नए तैनात हुए, जिनकी तैनाती पर हमने यहाँ पर इस इस्तकबालिया का प्रोग्राम रखा था और इस इस्तकबालिया के प्रोग्राम पर हमने एक मुहिम चलाई प्लांटेशन ड्राइव की, और यहाँ पर उमर वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन ट्रस्ट, राहत वेलफेयर एसोसिएशन और गुनीतुल उलूम चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्पायर ट्रस्ट ने यह तय कर लिया है कि हम इन चिल्ली और पिंगल ब्लाक में कम इस सीज़न में 1,00,000 पौधे जो हैं वो लगाएंगे। इसी मुहिम का आज आगाज़ किया हमारे SDM भलेसा ने, और हम इस पर डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा, आज हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया। मुद्दा और मकसद यही है कि अफॉरेस्ट्रेशन जो प्रोग्राम है ये फ्यूचर में भी हम करेंगे, जिससे कि हमारे जंगलात जो हैं वो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ होगा, उसके अलावा जंगलों की खूबसूरती भी बढ़ेगी। और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव बहुत ही अहम है। उसके अलावा हमने यहाँ पे पब्लिक के ग्रीवेंसेस भी सुने रोड के रिगार्डिंग, जो भी बेसिक यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ग्रीवेंसेस सुने गए, और हर एक डिपार्टमेंट को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से
यहाँ की लोगों का वेलफेयर करें, इनकी सेवा करें, और जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं वो डायरेक्टली भी हमें हम हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और हम हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम बाउंड मैनर में उनका रिड्रेस करें।